हाय दोस्तों, मेरे चैनल मेक इट सिंपल विद एमजे में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम कोई प्रोग्राम पीसी स्टार्ट होते ही रन हो, मतलब स्टार्टअप में जाए, इसे कैसे स्टार्टअप में डालना है ये हम देखेंगे। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, इसके लिए आपको जाना होगा सी ड्राइव में, आपका जो कि लोकल डिस्क से होता है, उसमें यूज़र्स में जो आप यूज़र चाहते हैं, जैसे मेरे केस में एमजे मेरा यूज़र है, जो कि आप लॉगिन करते वक्त जो भी आपको नाम देता है वो आपका यूज़र होता है। अब यहाँ पे आपको एक डेटा होना चाहिए, ऐप डेटा, बट वो ऐप डेटा यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि वो हिडन में होता है। अगर इसे आप देखना चाहते हैं तो इसमें आपको जाना पड़ेगा ये ऑर्गेनाइज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस, इसमें व्यू यू पी आई एक ऑप्शन होता है शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड ड्राइव्स, इसे सेलेक्ट करके आपको अप्लाई एंड ओके करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऐप डेटा फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर जाना है रोमिंग के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको नीचे एक फोल्डर मिलेगा विंडोज़ के अंदर स्टार्ट मेनू प्रोग्राम्स स्टार्टअप, यहाँ पे आप जिस फाइल को भी यहाँ पे पेस्ट करोगे, जिस भी शॉर्टकट को पेस्ट करोगे किसी भी एप्लीकेशन का, तो वो आपके स्टार्टअप में चालू होगा। जैसे आपका सिस्टम ऑन होता है, आप लॉगिन करते हैं, तो वो आपके स्टार्टअप में आ जाएगा। जैसे कि अब इस केस में मैं चाहता हूँ कि एक मेरा पिक है जो कि मैं आपको यहाँ पर पेस्ट करके बताता हूँ। आपको सिंपली कॉपी करना है कोई भी फाइल जो आप चाहते हो स्टार्टअप में हो, वो आपका वीडियो हो सकता है, वो आपका म्यूज़िक हो सकता है, कोई वॉलपेपर हो सकता है या कोई एप्लीकेशन हो सकता है, जो भी आप चाहते हो। बस आपको इस लोकेशन पे उसे रखना है। अगर आप चाहो तो पाथ फिर से नोट डाउन कर लीजिए, आपका माई कंप्यूटर, उसके बाद सी ड्राइव, यूज़र्स, आपका जो यूज़र है वो यूज़र, यहाँ पर मेरा यूज़र है एमजे, उसमें ऐप डेटा, रोमिंग, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, स्टार्ट मेनू, प्रोग्राम्स एंड स्टार्टअप, इसके अंदर आप कोई भी फाइल रख दीजिए जो आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि कोई एप्लीकेशन है जो कि आपके ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब स्टार्टअप मेनू में है, जैसे कि काफ़ी बार हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो हम कभी यूज़ नहीं करते बट वो स्टार्टअप मेनू में होते हैं, आप वो नहीं चाहते, बट वहाँ पर जो आपको मैंने अभी पाथ बताया तो उस पाथ में एक्चुअली वो दिखते नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर मेरे तीन ही प्रोग्राम्स बता रहा है, बट मेरे प्रोग्राम्स तो बहुत सारे ऑन होते हैं, इसे आप देख सकते हैं। और एक मेनू में आपको सिंपली जाना है स्टार्ट, यहाँ पे आपको टाइप करना है रन, या सिंपली आप इसे विंडोज़ की और आर की प्रेस करके भी जा सकते हैं, या आपके आपको टाइप करना है msconfig और एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक आपको स्टार्टअप का टैब मिलेगा, स्टार्टअप टैब, यहाँ पे आपको होता है कि क्या क्या कितने प्रोग्राम्स आपका पीसी सिस्टम चालू होते ही ऑन हो सकते हैं, ऑन होते जहाँ पर एक टिक मार्क है वो सारे सारे आप ऑन। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक माई पिक अभी पेस्ट किया था जो कि यहाँ पे बता रहे कि वो भी आपका सिस्टम ऑन होते ऑन होगा। अभी इस केस में आप देख सकते हैं कितने प्रोग्राम्स है, ये जो इंटरफेस रिलेटेड हार्डवेयर रिलेटेड जो ड्राइवर्स है जो एप्लीकेशन से वो ऑन हो रहे हैं, मेरा एंटीवायरस ऑन होता है, डेमन टूल्स जो एप्लीकेशन है वो, सी क्लीनर और बहुत सारे मेरे एप्लीकेशंस है जो कि मेरे स्टार्टिंग में। आप किसी भी एप्लीकेशन अगर चाहते हो कि वो एप्लीकेशन आपका स्टार्टिंग में ना रन हो तो आप इसे सिंपली यहाँ से अनचेक कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, वो आपके स्टार्टअप मेनू में से निकल जाएगा जैसे आप अप्लाई करते हो और ओके करते हो इसे। ये आपको पूछेगा कि आपको सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा, रिस्टार्ट कीजिए, आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो आपके नेक्स्ट लॉगिन पे अप्लाई हो सकता है। थैंक यू फॉर गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट, थैंक यू।